नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कावासाकी निंजा 300। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्राइस से। जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है वो करीब 3,24,000 रुपीज़ होने वाली है। एक अनुमानित अगर इसका जो ऑन रोड रायपुर की प्राइस है, ऑनलाइन वाला ही बता देता हूँ, ये करीब आपको 3,90,000 रुपीज़ की पड़ जाती है ऑन रोड रायपुर की प्राइस में। आपकी स्टेट और मेरी स्टेट में प्राइस का डिफरेंस रहेगा, तो प्राइस को लेकर चिंतित बिल्कुल भी ना हो। कलर ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको कौन सा कलर पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखा जाए तो कावासाकी जो निंजा 300 है, ये सबसे छोटा वर्जन भी अपन बोल सकते हैं निंजा की लाइनअप में, क्योंकि ये सबसे छोटा वर्जन इसलिए है बिकॉज इसमें 300 सीसी का इंजन मिल जाता है। आज की वीडियो में करेंगे पूरा डिटेल वॉक अराउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर आप देखते हो तो वाइज़र आपको देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट साइड में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आ जाती है नंबर प्लेट की स्पेस। बॉडी इंटीग्रेटेड इसमें मिल जाते हैं मिरर, कुछ ऐसे आपको मिरर नज़र आ जाते हैं। और यहाँ पर भी देखते हो तो रेड कलर की जो ग्राफिक वर्क है वो आपको नज़र आ जाती है। हेडलैम्प की यहाँ पर बात की जाए तो हेडलैम्प सेटअप आ जाता है कुछ इस टाइप का, देख लो। ये देखा जाए तो आपको बल्ब टाइप में नज़र आने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो जो पायलट लैंप है ये बल्ब टाइप में, और जो हेड लैंप है ये भी आपको बल्ब टाइप में देखने को मिलने वाला है। ग्रीन कलर देखा जाए तो मतलब सिग्नेचर ग्रीन कलर अपन बोल सकते हैं कावासाकी की। और यहाँ पर जो फ्रंट का मडगार्ड है ये आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा रहने वाला है। ABS की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको नज़र आ जाती है फ्रंट। यहाँ पर अगर इसके ब्रेकिंग की बात की जाए तो फ्रंट में यहाँ पर आपको सिंगल डिस्क नज़र आती है। 240 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है, पेटल डिस्क प्लेट है। डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में ये चीज़ आपको नजर आएंगी, इंड्योरेंस के डुअल पिस्टन कैलिपर दिया हुआ है। सेफ्टी की यहाँ पर बात की जाए तो सेफ्टी में इसमें देखा जाए तो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। और जो टायर सेक्शन है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इसमें देखा जाए तो 110/70 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के एलॉय व्हील में। और जो फ्रंट का जो मतलब टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ये देखा जाए तो आपको 37 mm टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाता है 120 mm ट्रैवल के साथ में। बाकी आप रेडिएटर देख सकते हो, यहाँ पर आ जाता है सिंगल टोन हॉर्न। और यहाँ पर एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, दो बैंड पाइप आपको नज़र आ जाएगा। अब चलते हैं इसके फ्यूल टैंक के पास में। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी की यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसमें 17 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि देखा जाए तो अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। टैंक आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। ये देखा जाए तो बहुत सारे लोग अब ये भी पूछेंगे कि ये इसकी रियल टैंक है कि नहीं, वो भी बताओ। तो ये आप देख सकते हो ये है इसकी रियल टैंक, ऊपर में प्लास्टिक की शेल वगैरह नहीं है, ये इसकी रियल टैंक दी हुई है। कावासाकी रेसिंग टीम आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाता है, यानी ब्रांडिंग आपको नज़र आ जाती है। और यहाँ पर निंजा 300 आपको कुछ इस तरीके का लिखा हुआ नज़र आता है, कावासाकी की ब्रांडिंग। नीचे इंजन बैली पर आपको नज़र आ जाएगी, बाकी एग्जॉस्ट टेल पाइप आपने देख लिया। इसमें देखा जाए तो सिर्फ आपको साइड स्टैंड का ऑप्शन मिलता है, सेंटर स्टैंड का ऑप्शन नहीं दिया गया। बाकी ग्राफिक वर्क आप देख सकते हो। इंडिकेटर्स यहाँ पर देखा जाए तो बल्ब टाइप में रहने वाले, जो कि आपको यहाँ फेंडर पर नज़र आ जाते हैं कुछ इस टाइप के, तो कुछ ऐसा इंडिकेटर दिया हुआ है। अब आ जाते हैं इसके राइट साइड के स्विचेस के पास में। तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ब्लैकआउट फिनिश में ब्रेक एंड क्लच लीवर। यहाँ पर जो हैंडल बार है ये देखा जाए तो आपको क्लिप ऑन में देखने को मिलने वाले। चाबी आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी की रहने वाली है इस मोटरसाइकिल की। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात की जाए तो उससे पहले जो मिरर का जो व्यू है वो आप देख सकते हो। ये देखा जाए तो आपको बॉडी इंटीग्रेटेड मिल जाता है, और जो व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा इसमें। और जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये सेमी डिजिटल में आपको नज़र आएगा। एनालॉग साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर RPM गेज, डिजिटल साइड में आ जाता है स्पीड मीटर, फ्यूल मीटर, ओडोमीटर की मेन रीडिंग, क्लॉक आ जाता है। और आगे करके देख लेते ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर की मेन रीडिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है, और ढेर सारी वार्निंग लाइट्स। और यहाँ पर दो बटन मिल जाते हैं। और इसके लेफ्ट साइड के स्विचेस के पास में आए तो लेफ्ट साइड में मिल जाता है हॉर्न। एक बार सुनते इसका हॉर्न, तो इसमें सिंगल टोन हॉर्न मिल जाता है। इंडिकेटर, लो हाई बीम, पासिंग की स्विच आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन यहाँ पर देखा जाए तो आपको कुछ यहाँ पर मतलब अंदर में नज़र आएगा, क्योंकि ये फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल है, तो कुछ ऐसा आपको मतलब लुक नज़र आएगा, मतलब इंजन वगैरह आपको अंदर में कवर्ड देखने को मिलने वाला है। इंजन की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें मिलता है 296 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर DOSC 812 लिक्विड कूल्ड FI मोटर,
पावर की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें 39 पीएस की पावर मिल जाएगी और टॉर्क इसमें 26.1 एनएम का मिल जाता है। अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो ये करीब आपको 25 टू 30 की एमपीएल तक की माइलेज की उम्मीद आप इससे आराम से कर सकते हो। ये देखा जाए तो आपको 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स सेटअप के साथ में नज़र आने वाली है। सीट आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सीट स्प्लिट में नज़र आ जाती है। सीट हाइट की यहाँ पर बात की जाए तो सीट हाइट इसमें आपको करीब मिल जाती है 780 mm की। बाकी आप सीट देख सकते हो, ये आपको स्प्लिट में नज़र आएगी। कुशनिंग वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं तो कुशनिंग यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, देख सकते हो कुछ ऐसा सीट रहने वाला है। बैक पोर्शन अगर आप देखोगे तो टैंक यहाँ पर ग्रीन में है, तो ये जो बैक पोर्शन है ये आपको थोड़ा सा ब्लैक और ग्रीन कलर की यहाँ पर आपको मतलब जो ग्राफिक वर्क है वो नज़र आ जाती है। ग्रैब रेल आप देख लो, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, काफ़ी बड़ी सी ग्रैब रेल यहाँ पर आपको नज़र आ जाती है। ओपन चैन कवर है, चैन को आपको हर 400 किलोमीटर पर क्लीन एंड लूप करना होगा। यहाँ पर देखोगे तो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म देखने को मिल जाती है। बाकी सारी गार्ड आप देख सकते हो, गियर शिफ्टर वगैरह आप एक बार चेक कर लो, ये कुछ ऐसा रहने वाला है। अब उस साइड में चलते हैं। मैं बड़े टाइम से ये सोच रहा था कि निंजा 300 सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखा जाए तो पैरेलल ट्विन सिलेंडर आती है, तो आज मेरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखोगे तो किक का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। ये इसका रियर ब्रेक फुटपैक कुछ ऐसा रहने वाला है। एग्जॉस्ट यहाँ पर देखोगे तो ये आपको आउटर साइड में देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का रहने वाला है, देख सकते हो। यहाँ पर हीट शील्ड आपको ये आपको कुछ इस टाइप का नज़र आ जाता है। अब रियर दो सस्पेंशन है उसके बारे में बात करें तो रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर में यहाँ पर आपको 220 mm की पेट्रल डिस्क प्लेट नज़र आ जाती है। इंड्योरेंस के डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में ये चीज़ आपको नज़र आएगी। टायर सेक्शन की यहाँ पर बात की जाए तो 140/70 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 17 इंच के एलॉय व्हील में। एलॉय व्हील का पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी अब जो बैक पोर्शन है वहाँ पर आ दें तो बैक पोर्शन में जो टेल लैम्प है ये देखा जाए तो दिया हुआ है बल्ब टाइप में। बाकी आपको ब्रेक मार के भी दिखा देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। रियर का इंडिकेटर कुछ ऐसा टाइप का रहने वाला है, ये भी बल्ब टाइप में दिया हुआ है। नंबर प्लेट की लाइट, रेड रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की स्पेस, रियर से ये कुछ ऐसी दिखती है। बाकी ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मोटरसाइकिल को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मोटरसाइकिल की अगर आपको टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कावासाकी नागपुर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, IDs यहाँ पर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।